अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल आलिया ब्लॉगर में मैं हूं आलिया यास्मीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मेरी क्रिसमस के लिए फ्रूट केक। तो ये केक चलिए पहले छान लेते हैं। ये एक कप मैदा और इसे डाल थी, इसके अंदर नमक, एक चुटकी नमक ऐड हम कर दे रहे हैं। मैंने देसी घी का केक मैंने पर डाले हुए हैं, आप चाहे आपको उसका लिंक हम डाल देंगे, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दो अंडा ले लिया है, तो इसमें हम करीब 4 ड्रॉप जैसा एसेंस डाल दे रहे हैं। ये है पैन एप्पल एसेंस, तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 ड्रॉप पैन एप्पल एसेंस लिया है, और साथ ही इसके अंदर कम से कम 6-7 ड्रॉप हम वेनिला एसेंस भी डालेंगे। फिटाते हुए 5 मिनट हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जैसा बेकिंग पाउडर इसके अंदर एड कर देना है। 1/2 टीस्पून जैसा बेकिंग सोडा भी इसके अंदर एड कर देना है। 1/2 टीस्पून जैसा दालचीनी पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर देना, और इसे अच्छे से एक बार 2 मिनट के लिए और फिर से बीट कर लिया है। रेड एंड ग्रीन 2 टेबलस्पून, साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून जैसा मैंने लिया है किशमिश, 2 टेबलस्पून जैसा लिया, और यहाँ पर करीब 1 टेबलस्पून जैसा मैदा डाल के इसे डस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डाल दे रहे हैं हम 1 टेबलस्पून जैसा मैदा डाल के इसे हम डस्ट कर दे रहे हैं, ताकि ये जब हम केक के अंदर डालेंगे तो ये अंदर जाके नीचे। तो देखिए यहाँ पर सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। दूध ऐड करके हम इसे चला दे रहे हैं अच्छे से, ताकि मेरा जितना ये फ्लफी बनेगा उतना ही सॉफ्ट केक मेरा बनके तैयार होगा। मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से कट एंड फोल्ड के मेथड से अच्छे से मिल चुका है, और इसे हम कर देते हैं अब साइड, और साथ ही आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने ओटीसी में डाल दिया, इतना बनके तैयार हो रहा है मेरा। तो चलिए बन जाएगा तो आपको हम दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल आलिया ब्लॉगर में, और मैं हूँ आलिया यास्मीन। अभी शाम का करीब 4-4:30 बज चला है, और ठंडा का मौसम होने की वजह से जल्दी ही आपका इवनिंग होने लगता है, शाम होने लगता है। तो अभी हम किचन में है, और इस टाइम मेरा दूध वाला दूध देख गया, जो दूध वालने के लिए मैं चढ़ाई हुई हूँ। और अभी मेरे किचन में कुछ स्पेशल बक रहा है, तो वो है इंडियन डिश विद यास्मीन के लिए क्रिसमस स्पेशल केक बन रहा है, फ्रूट केक। और अभी मेरा बार बार ध्यान दूध की तरफ जा रहा है कि दूध फट से उबालेगा और गिर के बह जाता है, तो इस बार हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मेरा केक कैसा। एक तो अभी आप देख रहे हैं छोटा वाला, दिल वाला में एक छोटा सा केक बन के तैयार हो चुका फ्रूट केक, और दूसरा आपको हम दिखाते हैं। दूसरा आपको दिखा रहे की एक यहाँ बन रहा है, ये अभी थोड़ा सा कच्चा है, तो अभी यहाँ बन रहा है ये मोड पर, तो अभी ये डाला हुआ है। तो अभी आज का इसकी रेसिपी इंडियन टेस्ट विद यास्मीन में जाएगी, आप वहां से जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत मजे की। क्योंकि इसका 2 पीस मफिन्स बना था, मेरे बच्चे ने हल्ला किया था, तो वो 2 पीस बनाए थे, वो 2 पीस ये लोग खा चुके हैं। तो अभी इसका टाइम हो रहा है, ये बना नहीं, थोड़ा सा अभी और 5 मिनट लगेगा इसको बनने में। कभी क्या होता है कि सोचते हैं कि चलिए बनाएंगे, करेंगे, वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हो नहीं सकता है, तो कुछ कुछ वजह से हम बना नहीं पाते हैं, तो इस वजह से रह जाता है। क्योंकि और भी वीडियो ब्लॉग है जिसे हम एडिट करना बाकी है, तो उसको एडिट करने में हम लगे हुए हैं। तो मेरा किचन का भी उधर से भी नजर आता है, पूरा किचन मैंने इस जगह से हम खड़े रहने पर हम अपने किचन को भी देख लेते हैं, और आपसे बात भी हो रहा है। तो अभी हमारा ध्यान पूरी तरह से दूध पर है, और मेरे हस्बैंड ने, बच्चे लोग तो अपने रूम में जा चुके हैं, और अभी इसके बच्चे के ट्यूशन आने वाले हैं, तो इस तरह से मेरा काम चल रहा है। आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ लगता है तो जरूर मुझे बताइएगा क्या दिक्कत है। और मेरी ब्लॉग अगर आप देखते हैं और लाइक भी कीजिए, लेकिन आप लोग ना लाइक करते हैं ना ही कॉमेंट्स करते हैं, तो कुछ भी बात हो तो जरूर बताइए मुझे। आप लोग का कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, आप लोग के लाइक से मुझे और भी अच्छा लगता है कि मुझे और भी ब्लॉग बनाना चाहिए। अगर आप लोग करते हैं तो मैं आप लोग किस टॉपिक पर चाहिए वो टॉपिक बताइए। देखिए आज हमको स्क्रीन रूटीन पर भी एक ब्लॉग बनाना था, कितने बार व्यूअर्स ने बोला है कि मुझे बनाने के लिए, तो वो मैं बनाऊंगी। इसीलिए थोड़ा सा केयर नहीं कर रही कि जिस दिन मैं दिखाऊंगी इस पर केयर रूटीन बनाना है, मुझे बहुत बेहतरीन है जो मैं करती हूँ, तो वो चीज आपको साथ में शेयर करूंगी। तो उसका वीडियो इंशाल्लाह आज से ही स्टार्ट करेंगे, तो उसका प्रोसेस कितना दिन का वो भी देखिएगा आप। और लेकिन उस जो भी प्रोसेस मैं आजमाऊंगी उससे आप आजमाइएगा जरूर, क्योंकि वो उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। और यकीन मानिए कि जब आप उसे कीजिएगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई में मैंने बताया है बिल्कुल सही बताया कि मेरी स्किन में क्या
ऐसा कुछ नहीं बताएंगे जो आपको साइड इफेक्ट करता, आप वही चीज कीजिएगा जो आपको अच्छा लगता है। तो चलिए, भी मेरा मोबाइल में चार्ज कम है तो हम चार्ज में लगाते हैं, उसके बाद अब आपको हम छत पर ले जाएंगे। आज हम छत पर देना है हमें सब पौधे में पानी, तो चलिए हम आपको छत पर ले चलते हैं। हम आपको आज अपना प्लांट सब दिखाएंगे और प्लांट में आया हुआ आज हम आपको अनार दिखाएंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे छोटा सा प्लांट, इससे पहले भी आपको हम शेयर किए थे कि मैं अपने छत पर लगाई हुई थोड़ा सा गार्डन है, जो मैं नहीं उतना मेरे हस्बैंड करते हैं। और देखिए यहाँ पर अनार का लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। कुछ कुछ तो गिलहरियां लग जाती है और गाछ में हम चढ़े नहीं, दवाई नहीं डाल रहे, हम आते हैं लेकिन कभी कभी जब दवाई देना होता है तो मैं चढ़ती हूँ ऊपर, या तो मेरे हस्बैंड। और ये है गुलदौदी में, देखिए कितने अच्छा फ्लावर आया हुआ है। कुछ फ्लावर पेड़ हमको भी और जाके लाना पड़ेगा, अच्छा लगता है सर्दियों का ये फूल, बहुत अच्छा लगता है देखने में। अरे पता नहीं क्या चीज का गाछ हुआ। अच्छा ये है, देखिए आपको हम एक चीज दिखाते हैं, ये है यहाँ इस बार का गाछ हो गया, हमने ऐसे ही फेंक दिया था, लेकिन ये देखिए अगर आप इसे देख रहे हैं, अगर पहचान रहे हैं तो बोलिए क्या है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं ये किस चीज का गाछ लगा हुआ है। मैंने ऐसे ही बीज को फेंक दिया था अपने खाद जब बना रहे थे, तो उसमें मैंने ये डाल दिया था चपत्ती के साथ। तो ये है, तो ये है मक्को का गाछ, देखिए मक्को निकल रहा है इसके अंदर, अभी छोटे छोटे होना स्टार्ट हुआ है और ये इस सीजन है मक्को का। देखिए तो मक्को का प्लांट ऐसे ही मैंने, हम मुझे नहीं पता था कि हो जाएगा, तो कुछ कुछ खराब हुए थे तो मैंने चपत्ती के गाड़ी में डाल दिया था और देखिए मक्के लगे हुए हैं। इधर मेरा गुलाब, कि जब भी गुलाब हो जाता है झड़ने लगता है तो मेरे हस्बैंड तोड़ के ले जाते हैं और मैं इसे सुखा के रख देती हूँ। मुझे बिरयानी मसाला बनाते, जो रियल बिरयानी मसाला जो बनाते, तो उसे मैं इसे डाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ। इधर देखिए नींबू के पेड़ में नींबू आया हुआ है, लेकिन पता नहीं नींबू क्यों नहीं बड़ा हो रहा है। मैं इसमें कोई भी खाद नहीं डालती हूँ, नेचुरल जो खाद होता है वही डालते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए नींबू हुआ हुआ है, कुछ नींबू बड़ा हुआ था तो मैं तोड़ के ले गई थी, और देखिए कुछ कुछ लगा हुआ है, इधर देखिए लगा हुआ है, इस साइड भी देखिए पत्ती से छुपा हुआ है, पता नहीं झड़ भी रहा लगता है। इधर भी गुलाब के फूल भी पुकलिया आई हुई है। इस समय भी हमको पानी डालना है, ये बहुत अच्छा था आया हुआ था, इसमें हर सिंघार का पेड़ था ये, देखिए फ्लावर आने के बाद सब जो है ना, ये अपने बीज है इसके साइड लग रहा है इसमें, तो इसे उसी में फेंक देते हैं, अगर होना होगा फिर से हो जाएगा। इसमें भी देखिए फ्लावर आएगा, देखिए अमरूद का पेड़ में अमरूद इस बार भी नहीं है। कुछ गिलहरिया चूहा ये सब बहुत तोड़ फोड़ कर देते हैं। पपीता का पेड़, कड़ी पत्ता का गाछ सभी देखिए फिर से इसमें कली आना स्टार्ट हो गया है। चलिए सब में हम दे देते हैं पानी। हमारे सूरज छुप चुका है, शाम का वक्त, अब मगरिब का अजान होने वाली है। सारे चिड़ियावर्ष अपने अपने घर को लौट चले हैं। हर लोग अपने अपने घर से कपड़ा, छत पर से कपड़ा उठा रहे हैं, सभी का काम कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो देखिए इतना अच्छा सुहाना हुआ, इतना अच्छा लग रहा है सामने, लेकिन अभी कैमरा उतना कैप कर नहीं जा पा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सामने से देखने से। लेकिन हाँ कुहासा भी है, कि दूर का उतना क्लियर नहीं है, कुहासा होना स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग में दो तीन दिन से लगातार कुहासा रह रहा है, जिससे मेरे सारे शीशा पर जो है ना पानी के जैसा दम भर जाता है। चलिए तो यहाँ पर मेरा केक बन के निकल चुका है, फ्रूट केक, और अभी ये गर्म है हल्का,
तो चलिए इसे हम डीमोल्ड कर देते हैं और डीमोल्ड करके आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए जिस तरह जिस ट्रिक इसके साथ मैंने बताया है कि आपको किस तरह से इसमें ड्राई फ्रूट डालना है, उस ट्रिक हिसाब से आपका सारा ड्राई फ्रूट बीच में भी रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल बेकरी तरीके से मैंने आपको बताया है। और ये आप देख ही रहे हैं कि कितना स्पंजी बना है। तो चलिए आपको ऐसे भी हम दिखा दे रहे हैं। फ्रूट केक की रेसिपी इंडियन टेक बेकरी यासमीन में जा चुकी है, आप वहां से चेकआउट कीजिएगा। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इस रेसिपी को जरूर आजमाइएगा। ये चलिए आपको दिखाते हैं कि मौसम शाम का मौसम की आशा हो रहा है। बनाइए आज मैंने मसाले मिलाया था मिली एकदम भूल जाएंगे। हेलो वेरा का पेड़, तो मुझे लाइक कर दो। ये मुखिया से क्या बोलते नहीं है, और इधर मेरा मणिप्रण बहुत ज्यादा था लेकिन चूहा गिलहरी काट के सब खराब। चलिए हम पानी लगाते हैं।